कल रात से बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखो तो कैसी बेसुध पड़ी हुई है मेरी बच्ची। मुझे शहरी ने बताया था कि रात को शहाना ने फिर कोई हंगामा किया। सच पूछो मियां, तो मेरा जी ये करता है कि शहाना का हाथ पकड़ूं और उसे पागलखाने में जमा करवा दूं। बीजान, उसे पागलखाने छोड़ने से पहले इस बिल्लो को तो थोड़ी अकल दे। हाँ, तुम तो शहाना की साइड लोगी ना, तुम्हारी समधन जो बनने को है। देखिए बीजान, ये बात नहीं है, इसे क्या जरूरत थी चूड़ियां लेने की जमशेद से? और तुम्हें क्या जरूरत थी दोनों भाइयों का दिल खराब करके अपनी बेटी का रिश्ता करने की? अब आप ये चूड़ियों वाली बात किसी और तरफ लेके जा रही हैं। तो तुम्हें खुद अकल करनी चाहिए। यतीम मस्कीन बच्ची है, कोई वाली वारिस नहीं है, एक भाई है जो उससे बात तक नहीं करता है, जो भी दो बोल प्यार के बोल देता है उसको अपना लेती है। लगता है इस घर के मर्द ही इसके अपने। देखो मासूमा, बिल्लो के किरदार के ऊपर उंगली मत उठाना। सच बताओ, तुमने कभी इससे प्यार से बात की है? मगर कहां, तुम्हें तो अपनी साजिशों से फुर्सत मिलेगी तब ना। बीजान, बीजान ठीक कह रही हैं, तुम्हें लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए ना। मासूमा, हाय मासूमा, तू यहाँ पे बैठी हुई है इन सब लोगों के साथ? जामा क्लॉथ मार्केट नहीं चलना, किंजा और अलसर की बरी लेने के लिए है। आ जा बीजान, मैं जरा कपड़े ले आऊं। हाँ जाओ जाओ, जरूर जाओ, कौन रोक सकता है तुम्हें। इतना बुरा लग रहा है मेरा आना, तो मैं चला जाता हूँ। बैठो बैठो। आइंदा इस तरह मुझे टच नहीं करना। अच्छा अरसल से पूछो ना, बिलीने के लिए उसको शॉकिंग पिंक कैसा लगेगा किंजा के लिए? आइए बैठा हुआ अरसल पुत्र, ये बता कि किंजा के लिए बलीमे का जोड़ा गुलाबी रंग का ले ले, बल्कि तू हमारे साथ शॉपिंग पर चल है। मैंने नहीं जाना, वैसे भी मुझे रोजा लग रहा है। बताओ ना तुम्हें क्या अच्छा लगेगा किंजा के लिए? देखो ना, पीछे सिर्फ 12 दिन रह गए हैं और पूरे खानदान को भी बताना है ना। कोई भी ले लेना। अच्छा चल तू रहन दे, तू पागल है, वैसे भी लड़कों को लड़कियों के कपड़ों का क्या पता होता, हम दोनों बहनें खुद ही देख लेंगे। और तू ना कपड़े बदल ले, जब से तुम माँ बेटियां इस घर में आई हो ना, तुम लोगों का सामान चोरी हो, यही कपड़े पहने हुए तुम लोगों ने। क्या करें, बता क्यों नहीं देते हो कि तुम्हें शॉकिंग पिंक